नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जो पंडाल आप देख रहे हैं, आज इसी पंडाल में पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव 1001 बहनों के साथ राखी बंधवाने के लिए यहां पर पहुंचने वाले थे और कार्यक्रम की भव्य तैयारियां चल रही थी। यह गुरसराय का पटेल गार्डन का नज़ारा है, जहां पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव जो हर साल रक्षाबंधन पर 1001 बहनों से राखी बंधवाते हैं, उसी कार्यक्रम की ये तैयारियों का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रशासन ने इस कार्यक्रम को लेकर अनुमति नहीं दी है। यही कारण है कि कार्यक्रम को फिलहाल रद्द करना पड़ा है। यहाँ पहुँची महिलाएँ जो कि कई सारी राखी बांधने भी ले आई थी और इस कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा जो कार्यक्रम का हिस्सा है वो भी थी, वह भी काफ़ी निराश नजर आई। कार्यक्रम निरस्त होने के बाद पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया, देखिए हम लोग ये उम्मीद करते थे कि जिला प्रशासन हमेशा सहयोगी रहा सामाजिक कामों में, और ये कोई हम पहली बार नहीं कर रहे। पिछले 15-20 सालों से लगातार हमारा शादी के बाद रक्षाबंधन के कार्यक्रम को हम लोग करते रहे हैं। पिछली बार भी निवाड़ी में हम लोग बड़े धूमधाम से किए और हर साल कर रहे थे, लेकिन अभी ये मजबूरी बताकर परमिशन नहीं दी जा रही है कि कल भारत बंद है, आंदोलन है सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक दिन बात कर लेंगे। तब उसके बाद भी कोई सहमति नहीं दी जा रही और कहा जा रहा कि भाई ये अभी हम आज कुछ तय नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने तय किया कि ठीक है, हम लोग रक्षाबंधन का उत्सव बहन भाई के साथ मिलकर मनाने की कोशिश कर रहे थे। हमने अपने साथियों से कहा, समझ लो कि कोरोना फिर दोबारा से लगा हुआ है इस समय और परेशानियां हैं लोगों के बीच में, तो हम लोग अब उस ग्रुप को ना करते हैं। जब हम इकट्ठे हो रहे थे, अब इकट्ठे ना होकर हम सब लोग घर घर जाएंगे, विभिन्न कार्यालय जहां हमारे लोग हैं तहसील स्तर पर, उन लोगों से ड्यूटी लगा देंगे कि आप जाके हमारे प्रतिनिधि बनकर आप उनके बीच जाके राखी बंधवाएं और उनसे मिलकर आए, उनके सुख दुख की बात पूछें, उनकी परेशानी पूछें, और हम सब मिलकर फिर अगले साल मिलेंगे और फिर अब की बार सब तैयारी उस तरह से करेंगे और पहले से परमिशन लेंगे, और परमिशन अगर कैंसिल करेंगे तो कोर्ट से परमिशन लेंगे, लेकिन अगली बार ऐसा मौका नहीं होगा कि वो रोक सके हम लोगों को मिलने से नहीं रोक सकता। देश का कानून ये कहता है, हमारी स्वतंत्रता के अलग अधिकार हैं हमारे पास, लेकिन अब वजह ये है कि कल कार्यक्रम है और आज परमिशन फिर कैंसिल है। खाना पीना सब बना है, हजारों लोगों का सब इंतजाम था, इतने सारे लोग बड़ी तैयारी से, हमारी बहनें दूर दूर से आ रही थी, कहीं ना कहीं सबको परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं अपनी बहनों से भी क्षमा चाहता हूँ, इस परेशानी के लिए हम लोग मजबूर हैं आज। मैं राजनीति करने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति करने के जो विरोध के तरीके होते थे या तरीके रहे हैं हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है कि आप कोई बेहतर काम करते हैं तो दूसरे से उम्मीद करते हैं वो और बेहतर काम करें और आगे बढ़ के वो भी करें, पर ये नहीं होता कि आप एक सामाजिक कामों को भी रोक देंगे अपनी तानाशाही से। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है, ये परंपराएं ठीक नहीं है, और इतना गुरूर और इस तरह से सत्ता के मद में ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस तरह का भाव रखना बहुत दिन ज़्यादा नहीं रहा, किसी का नहीं रहा। बहुत लोगों के विषय में आपने इतिहास में भी पढ़ा, बहुत सारे लोग हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते रहे हमको कि रावण की तरह अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप किसी दूसरे को जीने ही नहीं देंगे, मिलने ही नहीं देंगे, रक्षाबंधन भी नहीं मनाने देंगे। ये बहुत दिन जो भी कर रहा है ये अपने आप में बहुत गंदा और सोचनीय है कि कैसी राजनीति करना चाहते हैं आप, कहाँ ले जाना चाहते हैं लोगों के बीच में।